इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच अब दूसरा ओडीआई मुकाबला 4 अगस्त 2024 संडे को खेला जाएगा और रविवार को यह महामुकाबला कोलंबो के आर परमादेसा स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे से यानी कि 2:30 PM से यह मैच स्टार्ट होने वाला है, जो काफी शानदार काफी रोमांचक होगा। अब जिस तरह से पहला ओडीआई मुकाबला टाई हो गया था, पूरा मैच भारतीय टीम के मुट्ठी में था, जो मैच टीम इंडिया 110% जीत रही थी उस मैच को टाई करवा दिया। अब इस तरह अमूमन पाकिस्तान की टीम करने के लिए जानी जाती है। इंडिया विल बी डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट, श्रीलंका विल बी डिलाइटेड, क्योंकि आखिरी के 15 गेंदों में सिर्फ 1 रन चाहिए था और 2 विकेट हैंड में थे, लेकिन उसके बाद शिवम दुबे आउट हुए और बैक टू बैक अर्शदीप सिंह का भी विकेट चला गया, जिससे टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी और मुकाबला टाई हो गया था। श्रीलंका के खिलाफ आखिरी के 2 मुकाबले बैक टू बैक लगातार टाई हुए, इससे पहले तीसरा T20 मुकाबला टाई हुआ था, जिसे सुपर ओवर में टीम इंडिया ने आसानी से मुकाबला जीत लिया था, और अब पहला ओडीआई मुकाबला भी टाई हुआ जिसमें कोई सुपर ओवर नहीं हुआ, और फिलहाल दोनों ही टीम इस 3 ODI मैचों की सीरीज में फिलहाल बराबरी पर खड़ी है। अब जिस भी टीम को यह सीरीज जीतना है, बाकी की 2 ODI मुकाबले बैक टू बैक लगातार जीतने होंगे। अब जहां टीम इंडिया इस बार श्रीलंका दौरे पर अब तक एक भी मुकाबला हारी नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि टीम इंडिया पिछले 11 ODI सीरीज में भी श्रीलंका के खिलाफ नहीं हारी है। पिछले 11 ODI सीरीज टीम इंडिया लगातार जीती है श्रीलंका से, और श्रीलंका ने आखिरी बार टीम इंडिया को ODI श्रृंखला में हराया था 1997 में, तब से टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ कोई भी ODI सीरीज नहीं हारी है। टीम इंडिया ने पूरी तरह से डोमिनेट किया है श्रीलंका पर, स्पेशली ODI में, जहां इंडिया और श्रीलंका के बीच पिछले जो 11 ODI मुकाबले खेले गए, भारतीय टीम का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है। भारतीय टीम ने पिछले 11 ODI मुकाबलों में से 9 ODI मुकाबले जीते हैं, जबकि एक मैच सिर्फ श्रीलंका की टीम जीत पाई है और एक मुकाबला टाई रहा था। अब अगर हम इंजरी रिपोर्ट्स और टीम न्यूज की बात करें, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि श्रीलंका के 2 और तेज गेंदबाज यानी कि दिलशान मदुसंका और मथीसा पथिराना, ये दोनों ही गेंदबाज इंजरी की वजह से पूरे ODI सीरीज से बाहर हो गए थे, और पहले ODI मुकाबले से पहले इन 2 खिलाड़ियों की जगह पर टीम स्क्वाड में मोहम्मद सैराज श्रीलंकाई गेंदबाज और एहसान मलिंगा, इन 2 खिलाड़ियों को टीम स्क्वाड में शामिल कर लिया गया था। अब यही नहीं, इसके अलावा टीम स्क्वाड में एज ए स्टैंड बाई कुशल परेरा, प्रमोद मधुसान और जेफरी वंडर से इन 3 और नए खिलाड़ियों को टीम स्क्वाड में शामिल किया गया है एज ए स्टैंड बाई प्लेयर। अब चूंकि ये मैच भी कोलंबो में ही खेला जाएगा, जहां की पिच काफी स्लो है, पहले बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान है, चेजिंग करना इस पिच पर उतना आसान नहीं रहता है, तो जो भी टीम इस मैच में टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी ही करना चाहेगी, डिफेंड करना चाहेगी, चेज करना नहीं चाहेगी, क्योंकि चेजिंग इस पिच पर उतना आसान नहीं होता है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर दूसरे ODI मुकाबले के लिए क्या होने वाली है दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। तो श्रीलंका की तरफ से ऐसा ओपनर नंबर 1 पर प्रथम निशांका होंगे, जो गजब के फॉर्म में चल रहे हैं, इनका परफॉर्मेंस हाल फिलहाल में काफी शानदार रहा है, भारत जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ भी इन्होंने काफी प्रभावित किया है। नंबर 2 पर होंगे अविष्का फर्नांडो, नंबर 3 पर होंगे कुशल मेंडिस, शानदार विस्फोटक बल्लेबाज और विकेट कीपर बैट्समैन, जबकि नंबर 4 पर होंगे सदीरस समारा विक्रमा, नंबर 5 पर होंगे चरिता आसलांका, इनके बेहतरीन कप्तान, और नंबर 6 पर होंगे जेनिथ लियांगे बैटिंग ऑलराउंडर, जबकि नंबर 7 पर होंगे दुनित वलेलगे शानदार युवा स्पिनर ऑलराउंडर, नंबर 8 पर होंगे वरिंदु हरसंगा स्पिनर ऑलराउंडर, नंबर 9 पर शानदार स्पिनर अखिला धनंजय, तो वही नंबर 10 पर मोहम्मद सैराज श्रीलंकाई गेंदबाज, और नंबर 11 पर अशिता फर्नांडो। तो ये श्रीलंका की प्लेइंग 11 बात की जाए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, तो एज ओपनर नंबर 1 पर हिटमैन रोहित शर्मा होंगे, जिन्होंने पहले ODI मैच में शानदार ओपनिंग की बल्लेबाजी की थी। नंबर 2 पर सुमन गिल होंगे, ये दोनों ही करेंगे पारी की शुरुआत, और नंबर 3 पर होंगे किंग विराट कोहली, नंबर 4 पर सरास अय्यर, नंबर 5 पर KL राहुल विकेट कीपर बैट्समैन, तो वही नंबर 6 पर होंगे शिवम दुबे, नंबर 7 पर होंगे वाशिंगटन सुंदर स्पिनर ऑलराउंडर, नंबर 8 पर अक्षर पटेल स्पिनर ऑलराउंडर, तो वही नंबर 9 पर होंगे कुलदीप यादव चाइनामैन स्पिनर, नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाज, और नंबर 11 पर अर्शदीप सिंह। तो ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11, जहां ये दोनों टीम इन्हीं 11-11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने वाली हैं दूसरे वनडे मैच में भी। अब अगर हम बात करें इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन की, आखिर मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है, तो जिस तरह पहला ODI मुकाबला टाई हुआ था, भारतीय टीम पूरा मुकाबला जीत रही थी, तो भारतीय टीम अनलकी थी कि मुकाबला टाई हो गया था। यहां पर अगर हम देखें तो सच तो यही है कि भारतीय टीम का पलड़ा काफी भारी दिखाई दे रहा है। टीम इंडिया ऑन द पेपर हो या फिर ऑन द फील्ड, काफी मजबूत काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अब दूसरे ODI मुकाबले को लेकर हमारी तो प्रेडिक्शन यही है कि टीम इंडिया दूसरे ODI मुकाबले में शानदार वापसी करने वाली है, और दूसरा ODI मुकाबला जीतकर टीम इंडिया सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना सकती है।